नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी के सीजीएल 3 एग्जाम यानी सचिवालय सहायक तृतीय एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। पिछले लगभग देखें तो एक सालों से इस परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है और कैलेंडर के हिसाब से जो पिछले साल बीएसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उसके हिसाब से इस परीक्षा को इस साल जून तक खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक पीटी का रिजल्ट नहीं आया। कारण रहा है कि शुरुआत से ही देरी हुई, जो परीक्षा कैलेंडर दिया गया उसे फॉलो नहीं किया जा सका आयोग के द्वारा, और कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसके कारण एक पाली के परीक्षा को बाद में लेना पड़ा। बता दें आपको कि 23-24 दिसंबर को परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली का प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन के दौरान ही बाहर आ गया था जिसके कारण इस पूरे पाली को रद्द कर दिया गया और इस प्रथम पाली का पुनर्परीक्षा 5 मार्च को लिया गया। आपको बताएं कि छात्र अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परसों यानी कि 21 अप्रैल को प्रभात खबर पेपर में ये सूचना दी गई कि 30 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन शाम को ही यानी परसों शाम को ही आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और नोटिस में कहा गया, आप देख सकते हैं नोटिस में लिखा हुआ है कि समाचार दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर ने आज दिनांक 21 अप्रैल 2023 को समाचार प्रकाशित हुआ कि 30 अप्रैल तक बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी का रिजल्ट निकलेगा। प्रकाशित समाचार पत्र पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है। आयोग के प्राधिकृत पदाधिकारी से परीक्षा फल प्रकाशन के संबंध में प्रामाणिक सूचना प्राप्त किए ही उक्त समाचार प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आयोग उक्त प्रकाशित समाचार का खंडन करता है। उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य तेजी से किया जा रहा है। आयोग अपने कार्यों के प्रति सचेत एवं संवेदनशील है एवं प्रयास है कि परीक्षा फल यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएं। तो खबर का इसमें जो है उसे भ्रामक और तथ्यहीन बताया गया है, यानी कि 30 अप्रैल तक रिजल्ट आने की संभावनाएं न के बराबर है, तभी आयोग के द्वारा ये नोटिस दिया गया है। वरना हम लोग हमेशा देखते हैं कि हर एक परीक्षा से संबंधित ये खबरें चलते रहती हैं कि किस समय तक रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन आयोग के द्वारा उसका खंडन नहीं किया जाता है। होता है कि जो डेट दिया जाता है उससे आगे पीछे चलते रहता है, लेकिन आयोग के द्वारा बीएसएससी के द्वारा प्रभात खबर के इस खबर का पूर्णतः खंडन किया गया है, यानी कि रिजल्ट आने में देरी हो सकती है। अगर रिजल्ट अंतिम दौर में होता तो जो हम लोग का एक्सपीरियंस कहता है वो इस तरह आयोग नोटिस जारी नहीं करता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर रिजल्ट जारी कब किया जाएगा। बीपीएससी देखें हम, 12 फरवरी को एग्जाम लिया गया 68वीं पीटी का और 27 मार्च को उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि हम रिजल्ट और पहले दे सकते थे, लेकिन जो फीडबैक का जो काम चलता है उसमें प्रश्नों को लेकर छात्रों से आपत्ति मांगी जाती है, उसी के कार्यों में देरी हो गई और रिजल्ट जो है लगभग 1.5 महीने के अंदर में प्रकाशित हो गया। तो आखिर बीएसएससी का रिजल्ट इतना देर क्यों हुआ? 5 मार्च को उनका भी एग्जाम होगा और लगभग 1.5 माह से अधिक हो गया, पहले 2 पाली दिसंबर में ही हो चुका है, तो देरी क्यों हो रहा है? आखिर कब तक जारी किया जाएगा? आयोग ने तो 30 अप्रैल के खबर का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र, लेकिन ये यथाशीघ्र कब तक होगा? आयोग को कम से कम टेंटेटिव डेट बताना चाहिए। आपने एक बार परीक्षा कैलेंडर जारी किया, नहीं पूरा हो पाया तो संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी आपको जारी करना चाहिए था, जैसे बीपीएससी करती है, हमेशा उनका संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होता है। लेकिन आपके द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया और उसके प्रावधानों का पालन नहीं हो पाया, जिसमें आयोग की भी गड़बड़ी कहें या लेट लतीफी थी, और कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जो कि आयोग के हाथ में नहीं था, पेपर लीक हो गया जिसके कारण दोबारा उन्हें एग्जाम लेना पड़ा। लेकिन कम से कम संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो बहुत सारे छात्र जो हैं उनमें अब भ्रम की स्थिति बन गई है कि आखिर रिजल्ट कब जारी होगा। पेपर में निकला, आयोग के द्वारा खंडन किया गया है, लेकिन यही उनका पूछना है। ठीक है, 30 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो आखिर आएगा कब?
आयोग को कम से कम इसके बारे में भी सूचना देनी चाहिए कि रिजल्ट जो है उसमें इतना समय लगेगा, इतना देरी लगेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो अब बहुत ही अपडेटेड हो चुका है सब आयोग, सभी आयोग जो हैं वो लगभग टेंटेटिव डेट बता देते हैं, चाहे यूपीएससी को देखें, बीपीएससी को देखें कि कब तक रिजल्ट जारी होगा, लेकिन बीएसएससी इस पर हमेशा चुप्पी साधे रहता है और खबरें चली उसका खंडन किया गया, लेकिन खंडन के साथ साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए, टेंटेटिव डेट बताना चाहिए संभावित कि हम कितने समय तक रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, उस समय तक कार्य पूरा हो जाएंगे। तो देखिए कब तक रिजल्ट आता है, लेकिन आयोग के द्वारा दिए गए इस खंडन के बाद ये साफ हो गया है कि रिजल्ट में भी देरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।